तो फैमिली हमें मिल चुकी है, ये देखें सामने है। तो हम चल रहे हैं, ये बैठे हमारी फैमिली और अभी हम चल रहे हैं अंदर। तो अली भाई बैठ चुके हैं, अली भाई बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम क्वालिटी को, मैं शेरियार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शेरियार व्लॉग्स। वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हमारे यहाँ पर है लास्ट डे, तो अभी नीचे बुफे हो रहा है तो बुफे जा करते हैं ब्रेकफास्ट। तो सुभान भाई आ रहे हैं, सुभान भाई के साथ चलते हैं, उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं बाहर बैठा हूँ। मैं कहा मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि चलते इकट्ठे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10 का, तो 10:30 तक होता है, तो अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर आपको बताते हैं फ्रेश होकर भाई क्या सीन है क्या नहीं है। गरम गरम पराठे आ चुके हैं और साथ भुजिया है और यहाँ पर ऑमलेट है और साथ में महमूद भाई हैं। महमूद भाई जी, भाई आप खाना शुरू नहीं कर रहे, नहीं आ रहा है आपका? तो तहर भाई जा रहे हैं लॉन्ड्री का काम कर रहे, इतने बड़े गेस्ट हाउस में होकर भी लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, क्या किस्मत है तहर भाई आपकी। तहर भाई जा रहे हैं लॉन्ड्री का काम कर। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, आपको फिर बताते हैं। मज़ा आया, टेस्ट करके बताएं। कैसा है स्वाद? अच्छी। अच्छा महमूद भाई आप ब्रेड खा रहे हैं पहले? यार पीछे तक काम है। यार अली भाई आ चुके हैं, थोड़ा लेट नाश्ता कर रहे हैं और अभी हमने देख सकते हैं फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करते के बाद थोड़ा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर चलते हैं हम बाहर की तरफ घूमते फिरते हैं, आपको भी दिखाएंगे क्या सीन। अली भाई कैसा लग रहा है आपको नाश्ता? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपने ऐसा कभी घर में कभी नहीं खाया ऐसा नाश्ता? बहुत दफा खाया। इससे भी अच्छा खाया या कम खाया? बहुत दफा। बहुत दफा क्या अच्छा खाया इससे? यह अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, सच बताओ। ठीक ठीक है। वही मेरे व्यूवर्स से कोई बात करना चाहेंगे आप? नहीं। एक बात नहीं। मैसेज छोटा सा ये। कुछ भी देना चाहें आप दे दें हमारे व्यूवर्स को। डाल देंगे। चले ठीक है। तो अली भाई ने कहा है कि कल मैसेज देंगे और कैमरा बंद कर रहे हैं। तो कैमरा बंद कर रहे हैं। बाय। तो यार अभी रवाना हो रहे हैं, देख सकते हैं सब बॉयज रेडी हो चुके हैं। सुभान, उस्मान, महमूद, अली भाई, समर, ताहिर, ओन भाई, शराब भाई सारे रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका। अब हम चल रहे हैं डायनो वैली। सुभान भी डायनो वैली चल रहे हैं? डायनो वैली। महमूद भाई चले? सुभान भाई लोकेशन कहाँ पे डायनो वैली की? यार ये मोनाल के साथ है। तो यार वहीं जा के आपको मिलता है, अभी फोटो शूट लेंगे उसके बाद फिर चलते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी आओ हमारे पीछे जिना मार्केट। तो यार अभी वो कह रहे हैं कि डायनो वैली जो है वहाँ पर अभी तकरीबन अभी धूप होगी, क्योंकि अभी बहुत धूप है इस साइड पर। अभी आप देख सकते हैं बाहर भी धूप है, तो उस साइड पर भी धूप ही होगी, क्योंकि वहाँ पहाड़ सामने नजर आ रहे हैं, वहाँ पर सब टोटली धूप है। अभी हम यहाँ पर जाना किसी सुपर मार्केट जा रहे हैं, जिना सुपर मार्केट जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा शॉपिंग वगैरह करनी है, वो करते हैं, तो बाद में दिखाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डायनो वैली। पहुंच चुके हैं जिना सुपरमार्केट और देख सकते हैं अभी बॉयज करने लगे हैं शॉपिंग। अभी कुछ ले लेते हैं यार, देखते हैं क्या क्या है अंदर। परफ्यूम वाली दुकान देख लेते हैं, ये दुकान है सुपरमार्केट, तो यहाँ से भी देखते हैं क्या क्या लेना है। ये लिया सुभान भाई ने और ये लिया है महमूद भाई ने अपना, और ये जो है ये मैंने लिया है, और उस्मान भाई ने सबसे पहले उस्मान भाई ने लिया। कितने का दे रहे हैं आप? 1500। चले आप फिर ये पैक कर दें। ठीक साहब, ये पैक कोई चीज़ चाहिए हो पैक। हाँ तो हमने फाइनली शॉपिंग अब कर ली है और अब हम जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? शूज लेने। शूज लेने? हाँ शूज भी लेते हैं और एक दो शॉपिंग करते हैं। शरी भाई ने मुझे अच्छा सा परफ्यूम गिफ्ट किया। शरी भाई थैंक यू यार। वेलकम उस्मान भाई, अब ये परफ्यूम मुझे गिफ्ट करेगा। बात तो सही है। तो यार फाइनली परफ्यूम वगैरह ले लिए हैं बॉयज ने और अब देख सकते हैं चल रहे हैं। तो यार डाइनर पर आए थे तो सूट वगैरह देख रहा हूँ कौन सा लेना है। एक ये वाला सिलेक्ट कर लिया और बाकी एक ये वाला भी सिलेक्ट किया, अभी कंफर्म नहीं हो रहा, तो देख कर बताता हूँ आपको। 10,200। तो यार अभी कवर चढ़वाया और तो कुछ खाते पीते हैं ऊपर आए हैं सिक्स फ्लोर पर, तो अभी देख सकते हैं आप माहौल। तो अभी ढूंढ रहे हैं कजन्स को,
की साइड वाली, उस साइड पे खड़े अभी ले रहे हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहे हैं। यार देख सकते हैं अभी आइस रोल्स टेस्ट कर रहे हैं लड़के, अभी अंकल आ रहे हैं, उस्मान भाई भी आ रहे हैं पीछे से अपने आइस रोल्स बना के। तो अभी आप देख सकते हैं अंकल बर्गर लेके आ रहे हैं, तो अंकल बर्गर लेके आ रहे हैं, तो बर्गर खाते हैं, आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है, बर्गर का टेस्ट कैसा, तो टेस्ट करके बताएंगे आपको। अंकल भी रख दें नहीं यार, ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है इसका। बहुत गंदा वाकई गंदा यार, मैं तो नहीं खा रहा यार, हमारे लिए नहीं रखा मर्जी वाली बात। ब्रो आपके लिए बर्गर पड़ा है सुबह, यार आपने तो नहीं रखा ना, आप अपने हिस्से का पूरा खा गए। गरम गरम पिज्जा भी आ चुका है, पिज्जा भी ट्राई करते हैं। आपने बहुत क्या दिया अली पे जरा, तो ट्राई करते हैं। अच्छा ही टेस्ट है, अच्छा है, मैं खा रहा यही नहीं अभी और सुनिए। तो टेस्ट किया यार, इतना अच्छा फ्लेवर नहीं है इसका। ओ नहीं लोग कहाँ से आते हैं ये? उस्मान भाई कौन सा फ्लेवर दिया आपने? आपने भाई जनाब मलिक सराज कौन सा फ्लेवर किया? मुझे तो पता ही नहीं कौन सा फ्लेवर, मैं पिज्जा बना दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। तो देख सकते हैं कितनी गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं मेरे भाई। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? सब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, देख सकते हैं शॉपिंग वगैरह कर लिया सुभान भाई सब ने, और अब चल रहे हैं डाइनो वैली। डाइनो वैली जा रहे हैं, और टाइम देख सकते हैं तकरीबन हो रहा है 4:31, तो बस अब चल रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं सीन क्या है। सर चल रहे अली भाई का कोई छोटा सा काम है वो करते हैं, वो ड्रोन श्रोन कल भी आपने वीडियो में देखा होगा, वो ड्रोन के बारे में बोल रहा था, तो ड्रोन भी लेते हैं। अली भाई ड्रोन लेना है? ज्वेलरी भी लेनी है, ड्रोन भी लेना, ज्वेलरी भी लेनी है, ड्रोन भी लेना है। बस कौन सा होना लेना? इसे और है छोटे वाले? नहीं और नहीं है, तो 12,000 है ये, 12,000 दिखाएं। कैमरा है इसके अंदर? और दिखा कितने वाला है? ये वाला कितने का? 12,000 कितने का था? 14,000। कैमरा नहीं होता, कैमरा इसके साथ नहीं होता। कर रहे हैं तो फिर अभी चला के दिखाएंगे आपको ड्रोन वगैरह। अले भाई बॉल से खेल रहे हो? अली आओ आ जाओ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? फाइनली देख सकते हैं शॉपिंग हो गई है, और शॉपिंग करके अब हम जा रहे हैं। तो शेयरिंग ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें, तो अभी हम जा रहे हैं और उसके बाद हाँ। तो यार आप देख सकते हैं हम डाइनो वैली रवाना हो चुके हैं, समर अंकल हमारे साथ हैं। अंकल यस बॉस, कितनी देर लग जाएगी? इंशाल्लाह 40 मिनट पूरे। जी सर चले। देख सकते हैं अभी बॉयज खड़े हैं, और उस्मान भी गया हमें टिकट्स लेने, वो आ रहे हैं। और बाकी अभी यहाँ पर सीन ये हुआ कि फैमिलीज जा सकती हैं, और बॉयज जैसे हम ट्रिप पर आए हुए हैं, लड़के वगैरह हम नहीं जा सकते।
तो भाई जब भी था डायनो वैली आना तो फैमिली के साथ आना या किसी अरेंज करके आना भाई, हम तो यहाँ पर दस ही जुगाड़ लगा रहे हैं अभी अपना। तो अभी कुछ हुआ ही हुआ कि हमने अरेंज किया यार, अंकल आंटी बैठे दूर से पूछा कि हमें प्लीज आप साथ ले जाए, रिक्वेस्ट किया, बोले ठीक है आप हमारी टिकट अरेंज करें हम आपको साथ ले जाते हैं। तो ऐसा हमारे सामने फैमिली बन मेंबर बन के जाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे फैमिली मेंबर बन के। तो अंदर जाते हैं, ये रास्ता जो है ये इनका और ये आउट का है, ये देख सकते हैं आप कारें वगैरह आ रही हैं और बाकी वहाँ से टिकट्स मिलती है इस साइड पर। आप मेरी बात सुन लें, एक चीज़ नोट कर लें, ये तो भाई पक्की बात है फैमिली के साथ आओगे तो एंट्री मिलेगी, वरना आपको हमारे साथ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसा अरेंज करना पड़ेगा फैमिली, नकली फैमिली। तो अभी चल रहे हैं, टिकट्स मिल गई हैं तो अभी देखते हैं क्या बनता है। तो फैमिली हमें मिल चुकी है, ये देखें सामने हैं, तो हम चल रहे हैं, ये बैठी हमारी फैमिली और अभी हम चल रहे हैं अंदर। तो अली भाई बैठ चुके हैं, अली भाई बैठ गए इस कार पर जाना पड़ता है, देख सकते हैं मिनी सी कार है। यार सिचुएशन अभी यूं ही है कि सुभान उस्मान और अली भाई अंदर चले गए हैं अपने माँ बाप नकली बनाकर। तो हम अभी यहाँ रुक गए, ओम भाई पौधे के सामने ठहरे हैं, पिक्चर दे रहे हैं, समर भाई तो ये तो वैसे ही नहीं गए, लेकिन महमूद भाई अंदर कार में बैठे, महमूद भाई जाने ही नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? बस यार वो कहते हैं फैमिली डे है यार, वीकेंड है, फैमिली डे होता है, और वो उस्मान और सुभान तो चले गए, वो अपने भाई अरेंज करके चले गए। अब सिचुएशन यूं है कि अब हम जाएंगे रोटी खाएंगे, रोटी खा के फिर आपको बताएंगे भाई क्या सीन है। अभी तो हम बैठे हम हैं और हमारे साथ भी हम हैं और ये कार हम यहाँ बैठे हैं। तो जैसे ही फ्री होते हैं वो, हम तो फ्री हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं तो फिर हम चलते हैं कुछ खाते पीते हैं भाई, वैसे बहुत भूख लगी है। बच्चों वाली है बहुत अच्छा व्यू है यार। One hour later. तो यार काफ़ी देर से हम अभी देख सकते हैं रश में ही फंसे हुए हैं, बहुत रश है भाई साइड पर, वीकेंड पर तो भाई फैमिलीज आ रही हैं, इतनी फैमिलीज आ रही हैं भाई खत्म ही नहीं हो रही, पता नहीं आ रही कहाँ से फैमिली, हमें तो नहीं समझ आ रही भाई। वीकेंड में नहीं आना चाहिए, वीकेंड में ना यार बंदा सही रहता है। ऐसे अंकल ऐसे है भाई। अब बताएं अंकल आप बताएं हमें कितनी खुआरी हुई आज? हमारे टांगों में दर्द है। और कहाँ दर्द है? और दिमाग में आर 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 और गाड़ी भी थक गई। गाड़ी तो थक गई भाई, पेट्रोल देखो हमारी सुई यहाँ पर कहाँ थी, हाफ थी। हमारे गाड़ी थक गई, गाड़ी कहते मुझे तीन पे आ गए, खाना शाना खिलाओ, गाड़ी कहते मुझे खाना वगैरह खिलाओ। जी गाड़ी तो खाना खा लेगी, इसके टैंक फुल करा गए, हमारे टैंक हमारे बात तो सही है। रोटी शोटी खिलाते हैं अंकल को भी, कोई मसला नहीं है, सबको खिलाते हैं, हम खुद भी खाएंगे, हमारे भी टैंक भरेंगे, कोई मसला नहीं। आज आपने बाकी हाँ भाई मैं खिला दूँ, कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से रोटी समझ लो जाओ। और ये आप देख सकते हैं सामने दामने को है, हल्का सा आपको दिखा देता हूँ व्यू, ये दामने को है, ये देखो बाहर से ही दिखा रहा हूँ, अंदर से तो नहीं दिखा रहा, लेकिन रश बहुत है भाई इधर, बहुत रश है यहाँ पर, हर जगह रश ही रश था प्रोग्राम जाने का, अब रश की वजह से हम जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं इतना रश है ना भाई, जगह ही नहीं है भाई पार्किंग की, जगह ही नहीं, बैठने की जगह नहीं मिली। मोनाल से हम वापस आ गए, बंदा फैमिली के साथ आए, सही नहीं मिली मोनाल पे जगह। तो यार कुछ खाते पीते, अपने भी टैंक भरते हैं और समर अंकल भी टैंक भरवाते हैं जी। यार भाई आइंदा मोनाल पे आओगे वीकेंड पे? नहीं भाई मैं कभी नहीं आना, मेरी तौबा भाई, इस दिनों में तो कभी नहीं, वीकेंड पे कोई नहीं आता भाई। मजा तो आया भाई बस, लेकिन वेट ही में सारा मजा खत्म हो गया। हम तो भूख से मरते थे, ये भूख से मरते थे, हम नहीं मरते, हम अपना नाश्ता वगैरह हर चीज खा के, हम बर्गर शर्गर खा के, पिज्जा खा के भाई। मैं तो नाश्ता भी नहीं किया था सुबह यार शेरी भाई, झूठ बोलता है, इसने नाश्ता नहीं किया, बाकी से बर्गर पिज्जा खाया, आइसक्रीम भी नाश्ता नहीं किया। तो यार नाश्ता तो मैंने नहीं किया ना यार, मुझे उठाया भी नहीं आप लोगों ने, आइसक्रीम के बाद बर्गर खाया, पिज्जा खाया। और सुनिए तीन बूफे खाली कर दिए आप भाई ने, है ना, ऐसे है ना, ये देखो
अंकल भी हमारे साथ अंकल यार और भी मैंने खुद बना के दिए अंडे डाल के दिए मैंने कुछ भी नहीं खाया मुझे खाया नहीं यार खुदा का नाम मतलब इसने दोपहर को क्या खाया अंकल कौन सी कढ़ाई खाई है बताओ इसने तो भट कढ़ाई खाई थी रात को लेट क्यों सोया उसके पीछे क्या वजह यार बस सुबह लोग भाई सारे ऐसे ही अपना बातें शाते करते रहे शुगर मेला लगता रहा इसलिए नहीं सो पाए तो यार शुगर मेले लगते रहेंगे तो अभी यहाँ पर आपको दिखाते आगे चल के भाई क्या सीन है रोटी शोटी का तो रोटी खाते हैं कोई अच्छी जगह पर चलते हैं तो आपको भी बताते हैं।